भारतीय रेलवे में डिप्टी सीटीआई के पद पर तैनात योगेश कुमार पर शादी का दिलासा देकर 3 साल तक यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे। पीड़िता ने पत्रकारों को बताया कि 3 साल पहले पीड़िता की मुलाकात योगेश कुमार के साथ ट्रेन में हुई थी। रेलवे में डिप्टी सीटीआई के पद पर जो कि तैनात है, दोस्ती के बाद पीड़िता को अपने साथ 3 वर्ष तक रखा और शादी का झूठा दिलासा देकर उसने पीड़िता के साथ संबंध बनाए। शादी की बात करने पर बहाने बनाता रहा। गर्भवती होने पर 25 दिसंबर 2020 को बेहोशी का इंजेक्शन देकर दया भार्गव अस्पताल सिविल लाइन्स कानपुर में पीड़िता का गर्भपात करवा दिया। जब पीड़िता ने ज्यादा जिद की तो उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद पीड़िता के दर दर भटकने के बाद भी दोषी अभियुक्तों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़िता का कहना है कि उसने थाना रेल बाजार पर कार्रवाई न करने पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक बार बार अपनी बात पहुंचाई और न्यायालय की शरण भी ली, परंतु अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। सुनिए पीड़िता की जुबानी, उसने क्या कुछ बताया। क्या समस्या है आप? समस्या सर ये है कि मेरा एक मुकदमा रेल बाजार थाने में चल रहा है और जो कि योगेश कुमार के नाम से डिप्टी सीआईडी कानपुर में टीटी के पद पे तैनात था और मैंने मुकदमा लिखा है कि 5 महीने से ऊपर हो गया है, ना उसकी कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। किस चीज़ का मुकदमा लिखाया? वो शादी का, मतलब शादी के लिए बोला, 3 साल तक मुझे रखा, लेकिन ना लीगली मैरिज करी ना कुछ करा और 17 जुलाई को मुझे छोड़ के चला गया। उसके बाद वो वापस नहीं आया। 26 तारीख तक मैंने उसका वेट करा कि वो आएगा, लेकिन वो आया नहीं। उसके बाद मैं 26 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया, आज मुकदमा दर्ज कराया, 5 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 8 बार मैं जनता दरबार में भी गई, अनगिनत एप्लीकेशन दी मैंने, डीसीपी साहब के पास भी 4 बार पेश हुई, लेकिन कोई कमिश्नर साहब के पास मैं कल भी गई थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई कार्रवाई हो रही है। और वो लोग उसके टीचर, उसका भाई दोबारा बोलते हैं। आरोपी कहाँ का निवासी और क्या करते हैं? आरोपी रेलवे में टीटी के पद पे तैनात है, जो कि पोस्टिंग उसकी गया में है और राम मंझार थाना बरैया गया जिला बिहार में निवासी है। तो आपने यहाँ आई तो यहाँ कोई कार्रवाई हुई थाने पे? आपने थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एफआईआर तो हो गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो। तो क्या लगता है आपको कि क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो? गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पुलिस ने मोटी रकम ले रखी है, उससे पूरा थाना मिला हुआ है। विवेचक का क्या नाम है? श्री नईम खान जी, पहले प्रमोद कुमार पांडे जी थे, अब नईम खान जी है। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। मैं जॉब करती हूँ बाहर प्राइवेट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं बार बार यहाँ पे आती हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ उसकी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी हो और वो जेल जाए। मेरे साथ बहुत गलत करा है। अब मैं बस आप लोगों का भी इतना ही निवेदन है कि बस उसकी जल्दी से जल्दी जेल हो।